हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड चोकरा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आई पोस्ट टू वीडियोस पर वीक, वेडनेसडेज एंड संडेज इज व्हेन आई अपलोड माय वीडियोस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो एक ऐसा जीनियस था जिसने सोचा कि चलो इस कॉर्न का हम कॉर्नफ्लेक्स बनाएं। दिस वॉज हाउ ब्रेकफेस्ट was made mainstream, and since this was done, there have been a lot of health issues. अब ये जो concept है, इसके पहले लोग कैसे खाते थे हम वो जानते हैं। लोग सिर्फ तभी खाते थे जब इधर उन्हें भूख लगती थी या फिर उन्हें खाना मिलता था। एक पूरा का पूरा segment दिन का वो नहीं देते थे खाने के लिए, जब मिलता था तभी वो खाते थे। Every single individual used to do fasting, intermittent fasting, जो हम आज कहते हैं वो हर एक इंडिविजुअल की होती थी ब्रेकफास्ट के कॉन्सेप्ट आने से पहले। अब जो ये टर्म है ब्रेकफास्ट, दैट मींस यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट, और फास्ट क्या काउंट होता है, जब आपने लास्ट डिनर खाया है तब से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक आप जो नेक्स्ट खाएंगे वो जो पीरियड है उसे फास्ट माना जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने से पहले खाते हैं और सोने के इमीडिएटली बाद उतने के भी खाते हैं, और उनका जो फास्टिंग पीरियड है वो सिर्फ 6-8 घंटे का होता है। अब ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर्स जब आप इस चीज को एक हैबिट बना देते हैं, देन व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर योर बॉडी। इट्स गोइंग टू मेक यू लेजी, इट्स गोइंग टू मेक यू लेथार्जिक, इट्स गोइंग टू प्रोबेबली मेक यू गेन वेट, एंड इतना फ्रीक्वेंट ईटिंग विल ऑल्सो टेक अ टोल ऑन योर डाइजेशन। और इन सब में मैं उस चीज की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ जो आप मिस करेंगे। यू विल बी मिसिंग द इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग फॉर मोर देन 12 आवर्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, इवन ऑन फास्टिंग एज वेल। अब बेसिकली मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब तक आपको भूख नहीं लगती तब तक आप अपने आप को फोर्स मत कीजिए खाने के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो मर जाएंगे अगर उन्हें सुबह कुछ खाना नहीं दिया तो। उठ के उनको कुछ खाना चाहिए, नहीं तो उनको लगता है कि उनका ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाएगा या फिर वो वीक हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। सी गाइस, just try it once, just skip breakfast, you'll feel much better when you eat less frequently. So all in all, in short, breakfast was just the biggest marketing gimmick, and uske andar aaj itne sare products aa chuke hain, itne sare food segments aa chuke hain, it's just affecting our health. ab main personally agar aapko meri baat bataun, I was never a fan of breakfast. maine ek cheez hamesha se notice ki hai, jab bhi main breakfast khata hu My entire day goes bad. I am lethargic, I am sleepy, I am lazy, even though I have energy to do stuff, but I don't feel like doing stuff. It just slows you down. So one message for all you youngsters, एक महीने के लिए सिर्फ breakfast skip कर दीजिए. Have an early lunch. अगर आप 2 बजे lunch करते थे, have it at 12 o'clock. There's no harm in that. Just make sure that you're fasting for 12 hours. That's it. अगर आप रात को 10 बजे last खा रहे हैं, देन सुबह 10 बजे आप खा सकते हैं। अगर आप 12 बजे खा रहे हैं तो आप 12 बजे खा सकते हैं। मेक श्योर यू जस्ट फास्टिंग फॉर 12 आवर्स, ईट व्हेन यू फील लाइक, इफ यू डोंट फील लाइक यू डोंट ईट, सिंपल एज दैट। टिल द टाइम यू आर हंग्री इन द मॉर्निंग डोंट ईट, ट्राई एंड एक्सटेंड इट एज फार एज पॉसिबल। अब वो कुछ लोगों के लिए सुबह के 8 बजे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सुबह के 10 बजे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दोपहर के 4 बजे भी हो सकता है। मेरे लिए वो पर्सनली दोपहर 4-5 बजे के आसपास होता है, इवन व्हेन आई एम वर्किंग आउट। सो गाइस, आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा और रिसर्च करेंगे ऑन दिस एंटायर ब्रेकफास्ट मिथ या फिर ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग। जस्ट डू अ बिट मोर रिसर्च, जस्ट रीड अबाउट इट अ बिट मोर एंड इम्प्लीमेंट इट। एक महीना ट्राई करिए, जस्ट ट्राई इट एंड सी हाउ यू फील। अगर आपको थोड़ा भी इंप्रूवमेंट लगता है देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। जो आपको ये बताए कि ब्रेकफास्ट